नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। दोपहर के 3 बजने वाले हैं और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ करते हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। शाहीन बाग विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार नियुक्त किया है और शाहीन बाग विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े वार्ताकार की भूमिका में होंगे। शाहीन बाग में करीब 2 महीने से जारी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रदर्शनकारी ऐसे रोड बंद नहीं कर सकते, ऐसा हुआ तो शहर जाम हो जाएगा। तो एक कड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है शाहीन बाग प्रदर्शन को लेकर और उसके बाद अब एक वार्ताकार नियुक्त किया गया है। अपने दर्शकों को बता दें कि शाहीन बाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होनी है। इस विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वार्ताकार नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े वार्ताकार नियुक्त किए गए हैं। तो कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, विरोध का अधिकार है लेकिन रास्ता बंद करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा है, साथ ही कहा है पब्लिक एरिया को इस्तेमाल इस तरीके से नहीं किया जा सकता। अगर इसी तरीके से प्रदर्शन होते रहे तो पूरा शहर जाम हो जाएगा। तो कोर्ट की तरफ से जो बातें कही गई है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शन पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि विरोध का अधिकार जरूर है लेकिन रास्ता बंद करना सही नहीं है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पब्लिक एरिया का इस्तेमाल धरने के लिए किस तरीके से किया जा सकता जो है एक बीच का रास्ता निकालिए, ये बहुत सीरियस इशू है और इस पर जो है जल्दी से जल्दी जो है कुछ किया जाए। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो उपस्थित थे, वो बनना भी नहीं चाह रहे थे, वो चाह रहे थे किसी रिटायर्ड जज को किया जाए ये काम, परंतु दोनों जजेस ने कहा कि नहीं, आप इस हमें उपयुक्त व्यक्ति लगते हैं, क्योंकि उनको ये भी मालूम है कि हेगड़े जी की पृष्ठभूमि, आप सबको भी चैनल वालों को पता ही है कि हेगड़े जी टीवी पे बहुत आते हैं और किस विचारधारा को लेकर चलते हैं, थोड़ा सब सबको मालूम है आज की तारीख। तो हेगड़े जी से अब उम्मीद की जाती है कि वो उनको समझा के किसी ऐसे स्थान पर धरना देने के लिए राजी कर पाएंगे जिससे किसी आम लोगों को तकलीफ ना हो। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी, लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।